लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सवेरे सवेरे हमने समय दिया और आप लोग कृपा करके यहाँ पर आ भी गए। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, देश और राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है 400 बार, मतलब आरक्षण बर्बाद, आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी, ये हम लोगों की तरफ से बात है। आरक्षण जैसे कि मैंने बताया कि अत्यंत महत्वपूर्ण कर रहे हैं। वो चाहते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर वो आप बढ़े। जो 26 नवंबर 1949 के जो संविधान सभा में भाषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसमें स्पष्ट यही था कि हम राजनीतिक अधिकारों के बराबरी तो दे रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी देश में है, वो चुनौती है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। लेकिन उसकी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है, कहाँ गैर बराबरी को खत्म करने की, वो तो आंकड़े को फेस नहीं करना चाहते, गैर बराबरी को छोड़ दी और इनकी बातों को तो रहने दीजिए। ये इन्होंने तो अनेक वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो कहाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख हर एक के अकाउंट में भेजेंगे, कहाँ हुआ। अब जो इसके किसानों को आमदनी को डबल करेंगे वो कहाँ दे पाए। एक दिन की कथनी और करने में फर्क है और उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं उसको पालन किया गया। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी जो कि एक बार में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया है और आरक्षण, जितनी भी जो कल्याणकारी योजनाएं जो आज लागू हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की चालू की हुई। निजीकरण किया जा रहा है, आज लगभग 5 लाख का कर्मचारी SC ST OBC से है, 1,97,000 OBC के, 1,81,000 अनुसूचित जाति के और 1,02,000 वो आदिवासी परिवार के से संबंध रखते हैं, परिवार से रखते हैं। आरक्षण खत्म होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ने जवाब में दिया कि निजीकरण होने के बाद आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो ये निजीकरण लगातार जो करे जा रहे हैं वो आरक्षण खत्म स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और जो 5 लाख से अधिक जो आरक्षण का लाभ जिनको मिलता है, परिवारों को मिलता है, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आगे आरक्षण की सुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग का इन्होंने एक किस्सा छोड़ा। अब नियमित नियुक्ति करने के बाद, नियमित नियुक्ति में आरक्षण मिलता है, लेकिन आउटसोर्सिंग में वो ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी लेते हैं, आउटसोर्सिंग में आरक्षण की सुविधा नहीं है, आरक्षण खत्म। नियमित नियुक्तियां अगर होती तो आरक्षण मिलता, लाभ मिलता, लेकिन इन्होंने नियमित नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग पे किया तो नियुक्तियां बंद, आरक्षण उसमें बंद है।
जो लेटरल नियुक्तियां एक अलग इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज और उससे ऊपर के करने का प्रावधान है वो प्राइवेट सेक्टर से वो लेने के, वो अलग बात है कि वो रिलायंस से लेते हैं या अडानी से लेते हैं या किससे लेते हैं, अपने जानबूझ के लेते हैं, लेकिन उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण का प्रावधान नहीं हो फिर भी जो आरक्षित वर्ग है उसमें से कोई न कोई किसी न किसी की नियुक्ति की हो। ये रिकॉर्ड है भारत सरकार का कि जो लेटरल नियुक्तियां जितनी हुई हैं उसमें एक भी बंदा अनुसूचित जाति का नहीं है, एक भी बंदा अनुसूचित जनजाति का नहीं है, एक भी बंदा ओबीसी का नहीं है। दूसरी कास्ट के लोग उनमें ने पूरा का पूरा लेटरल नियुक्तियां जो एससी एसटी ओबीसी को नकारते हुए वो दर्ज कर लिए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार वो लगातार भारतीय जो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के ऊपर हमला कर रही है, वो आरक्षण को ख़त्म कर रही है। अब 2011 के बाद जब यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, मैं उसमें मौजूद था, मुलायम सिंह जी मौजूद थे, लालू यादव जी मौजूद थे, शरद यादव जी मौजूद थे, सब लोगों ने ये उठाया मुद्दा कि जातिगत गणना शुरू होनी चाहिए। तो वहाँ पर तय हुआ, सरकार ने तय किया कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और उसकी जिम्मेवारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ नोडल एजेंसी जो सामाजिक न्याय मंत्रालय उसको दी गई, उसकी रिपोर्ट आई 2014 में, बड़ा वॉल्यूमिनस था, उसमें राज्यवार आंकड़े हैं, उसमें जिलेवार आंकड़े हैं, उसमें घर घर पे घर घर वार आंकड़े हैं, पूरे आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सर्वेक्षण। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इन्होंने आंकड़े को जारी करने के बजाय उन्होंने एक कमेटी बना दी, पनिग्रह उनके जो नीति आयोग के थे, कमेटी बना दी कि ये इसका परीक्षण करेंगे बताएंगे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई और ये रिकॉर्ड है कि उनके कोई मीटिंग भी नहीं हुई और आंकड़े देने का तो सवाल ही नहीं। पार्लियामेंट में अनेक बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़े ऐसे हैं कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में ये आ रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में ये आ रहा है कि वो जातिगत जनगणना कि उसके जो परिणाम है उसके आंकड़े उससे उनको डर लगता है, वो डरे हुए, और इसीलिए 2021 का हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, 2021 की जनगणना उसमें इन्होंने अभी कोई आदेश नहीं किया। पहले तो हुआ कि भाई कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पा रही है, तो ये तो उसमें बहुत समय बीत गया और पूरी दुनिया भर में 10 साल के बाद ये जनगणना होती है, बाकी सब देशों ने जनगणना हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनगणना नहीं हो रही। इनको डर इस बात का है जनगणना के लिए अगर आदेश हमने देने पड़े तो उसके साथ साथ जातिगत जनगणना के भी आदेश देने पड़ेंगे, और जातिगत जनगणना के बाद अगर आदेश देने पड़े और वो जनगणना हो गई, जो आंकड़े हैं वो उसको फेस नहीं करना चाहते, वो किसी भी तरह से फेस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हर हालत में जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का विशेष रूप से जो आंकड़े आ जाएं उसके आधार पर उनका विकास हो, उनके विकास की स्ट्रेटजी बने, उनके उसके आधार पर आरक्षण की मांग हो, ये वो नहीं चाहते। तो अत्यंत दुर्भाग्य की बात, बहुत से लाखों लाख ऐसे परिवार हैं जो निम्न आय श्रेणी से लेकर और सेकंड लेवल के आमदनी में वो परिवार पहुँचे, ये केवल आरक्षण की वजह से।
गरीबी से उठकर, जिनको आरक्षण का लाभ मिलकर वो संपन्न हुए, तो उनका रहन सहन रहना ये सब पूरा उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आरक्षण के ऊपर सीधा सीधा वार किया है। भारतीय जनता पार्टी खुलम खुला जो आरक्षण का प्रावधान जिसमें है, संविधान है, उसको बदलना चाहते हैं। इनके अनंत हेगड़े सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लल्लू सिंह जी जो बगल के अयोध्या के सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की। ज्योति मिर्धा जी जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि संविधान बदलना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए हमको 400 बार सांसद चाहिए। इन्हीं की एक नेता, अलीगढ़ की नेता, उन्होंने ये कहा कि संविधान की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर पर बैठे हुए, आज हमारे सिर पर बैठे हैं, वो उनकी जगह, वास्तविक जगह जूती में है। इस तरह की भावना की और उन्होंने कहा कि इसीलिए इस संविधान को हम बदलना चाहते हैं। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण का लाभ SC ST OBC को मिला, इसको कोई नकार नहीं सकता, और इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार वो कार्रवाई कर रहे हैं।